उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के रहने वाले राम नारायण जी, जिनके पिता थे तो एक किसान, लेकिन पढ़ाई लिखाई का महत्व बखूबी जानते थे, इसलिए बेटे को खेतीबाड़ी के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दिलाई और पढ़ा लिखा कर एक टीचर बनाया। पढ़ाई पूरी होने पर राम नारायण अपने ही जिले में अध्यापक की नौकरी करने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने खेतों में काम करना नहीं छोड़ा और पिता के सिखाए हुए हर एक नुस्खे को धीरे धीरे सीखते चले गए। छोटा था तो हमारा भी खेतीबाड़ी करने के लिए बहुत शौक था, तो इसलिए हमारे पिता के साथ हम जाके खेतीबाड़ी में जाते थे। जब हम बड़ा हो गया, हमारे पिता नहीं पढ़ा, तो हम 20-21 साल अब जब हो गया तो हम खेतीबाड़ी में हमका खूब नीट खुद संभाला। तो उस टाइम मेरे पिता जो काम चाषी किया था, उस टाइम वो सार उर खुद नहीं था, वो सब खेती में वो डालते थे गोबर खाद। उस टाइम वो गाड़ी बहुत था तो गोबर खाद बहुत मिला था, उस टाइम पकता था, तो उनको पिता को हमको वो सार फार का कोई पता है उसको नहीं था। जब हमारा टाइम आया तो ऑर्गेनाइज जो हो गया, तो मिट्टी में हम भी फूल रोज दे के हम खेती करते थे। राम नारायण अक्सर अपने आसपास के किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हुए देखा करते थे। उन्होंने देखा कि जैविक खेती को छोड़कर किसान केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अच्छी पैदावार तो मिलती थी, लेकिन अनाज फल सब्जियों की गुणवत्ता कम होने लगी। रासायनिक खेती से हवा और पानी दूषित होता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके धरती के ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। इतना ही नहीं, रासायनिक खेती से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। केमिकल रहित फसलों से उपजे अनाज, फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी भयावह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं रासायनिक खाद का खेतों में इस्तेमाल करने से किसानों को भी कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। रासायनिक खाद के उपयोग से खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ अब जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मिट्टी पर तो पड़ रहा है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी में इन पोषक तत्वों की लगातार कमी से फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रही है। राम नारायण हमेशा से अपने आसपास के खेतों में इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने के बारे में सोचा करते थे। वो गोबर खाद में खेती करते थे तो उस टाइम कोई नुकसान नहीं था। जब मेरा पीयर में वो जो ग्रोमो डीएपी कुड़ीकुटे 13 और पोटास वो सब हम डाले, तो वो डालने से उसमें कीड़ा बहुत हो गया। जो उपज होता था वो 20 हो जाता, तो हमको 20 भी खाना पड़ता था। वो जो चावल निकलता था उसमें 20 भी हमको खाना पड़ता था। इसलिए तेरे हम सोचा क्या करेंगे, इतना खर्चा भी होता है और हम जो कितना खर्चा करते हैं उतना आधा भी नहीं होता है। खाली हमको खाने के लिए खाली हम वो चावल एक मोटा मिलता है, वो बिक्री करने का फायदा कुछ है, तो हम सोचा क्या करें। राम नारायण ने रासायनिक खाद को खेतों से हटाने के लिए जैविक खाद बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने खेतों में पहली बार रासायनिक खाद के बदले खुद की बनाई जैविक खाद का छिड़काव किया, लेकिन कई बार उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे जैविक खाद का छिड़काव किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, जिससे फसलों की गुणवत्ता बनी रहे और उपज भी बेहतर हो। हालांकि कई विफल प्रयासों के बाद राम नारायण को सफलता हासिल हुई। उन्होंने उत्तम जैविक खाद बनाई और उसका छिड़काव खेतों में किया, जिसकी वजह से उन्हें जिले के किसान अपने नायक के रूप में देखते हैं। हमारा 12 एकड़ खेती में हम जैविक खाद और जैविक दवाई डालते हैं, तो हमको बहुत फायदा है। क्यों फायदा है कि हमारा जमीन का उर्वर बढ़ जाता है और वो जमीन में जो उर्मी है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने से माटी को और उर्वर बढ़ा देता है। जैविक दवाई जो है उसको हम हांडी खाद बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करने में चाषी को बहुत फायदा है, क्योंकि उसका दवाई का सब चीज़ बाड़ी बगीचा में मिलता है। अपना गाय का दूध और गाय का परिसरा गोबर वो मिलता है, वो बिना पैसा में, तो उसका फायदा है, खर्चा कम, खर्चा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा फायदा है जो इस्तेमाल करते हैं खेती में,
तो कोई चिड़िया उड़िया पशु पक्षी कुछ को भी नुकसान नहीं होता है। हम केमिकल बिल्कुल नहीं डालते हैं, बिल्कुल खर्चा हमारा नहीं है, हम खाली यही हमारा जैविक खाद और जैविक मेडिसिन डालते हैं। तो इसलिए हम किसान भाई को बोलेंगे कि वो हमारा जैविक खाद और जैविक दवाई डालो, जैसे कि आपका जमीन का उर्वर बढ़ जाएगा। किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेच सकता है, साथ ही अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकता है। किसानों को जैविक खाद बनाने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। जैविक खाद से उगाई गई फसलें बाजार में अच्छे दाम पर बिकती है। धीरे धीरे लोगों का रुझान ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की ओर बढ़ता जा रहा है। किसान अच्छी आय और फसल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।